पहले आपने देश के किसी भी बैंक में अपना एक खाता खोल रखा है जो कि सेविंग बैंक अकाउंट है, और यदि आप उस सेविंग अकाउंट का यूज करके कई सारे ट्रांजेक्शन यानी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो अब थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो आपका अकाउंट जो है बंद हो सकता है। उसके अलावा कई लोग जो है यहाँ पर मुझसे कॉमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने सेविंग अकाउंट से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर हमें इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से आपका कुछ घटेगा नहीं, लेकिन उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो आप सभी को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, इनकम टैक्स का मतलब ये होता है कि आपके इनकम के ऊपर टैक्स, जो यहाँ पर एक स्लैब बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा कर पाते हैं तो आपको उसके ऊपर जो है इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू तो ये आपकी इनकम नहीं हुई, बल्कि आप अपने ही पैसे को इधर से उधर कर रहे हो, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये आपकी इनकम में शो नहीं होगा। इस कारण से आपको इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आने वाला है, अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन भी करते हो तो। यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन की क्वांटिटी बढ़ रही है, आपकी इनकम थोड़ी ही बढ़ रही है, तो इस कारण से आपके जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आने वाला है, ये चीज आप पहले समझ लीजिए। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि ज्यादा ट्रांजेक्शन से क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी बैंक है आपको कुछ लिमिट प्रोवाइड करती है कि आप पर डे जो है 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, महीने में आप 300 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ऐसे करके कुछ लिमिट प्रोवाइड करती है। अगर आप इस लिमिट को कम्प्लीटली यूज कर लेते हैं तो इस कारण से बहुत सारे ICICI बैंक के जो माइंड सेविंग अकाउंट ओपन हुआ था उनका क्लोज भी हो चुका है, तो इस कारण से हो सकता है आपके भी अकाउंट को क्लोज करने तक का नोटिस आ जाए बैंक की तरफ से। यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा छूट मिल जाता है जिन्होंने भी अपना अकाउंट जो है ब्रांच में विजिट करके अकाउंट ओपन किया है। तो सेविंग अकाउंट में आपको कई सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, कुछ सेविंग अकाउंट जो है जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं, कुछ सेविंग अकाउंट 5000 मेंटेन करने वाले होते हैं, 10000 मेंटेन करने वाले होते हैं, सैलरी सेविंग अकाउंट होते हैं। तो अगर इन कैटेगरीज में आपका अकाउंट आता है और उसमें से भी आप अगर अपना ब्रांच में विजिट करके अकाउंट ओपन करवाया होगा तो आपको थोड़ी सी छूट मिल सकती है, आप अगर थोड़े से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें भी आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स का जो माइंड सेविंग अकाउंट है या फिर जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट है उनके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं जिन्होंने भी अपने अकाउंट को ऑनलाइन ओपन किया हुआ है। अगर आपका भी अकाउंट ऐसा किसी कारण से क्लोज हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि और भी यूजर्स को इसके बारे में पता लग सके। तो इससे बचने का आपके पास में रास्ता क्या है? तो देखिए, सिंपल सी बात है कि आपको ट्रांजेक्शन जो है कम करनी पड़ेगी। बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि कुछ ऑफर्स के लालच में, यानी 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया के लालच में कई सारे ट्रांजेक्शन जो है एक ही दिन में कर देते हैं, यानी जितनी उसकी टोटल लिमिट मिली होती है कि आप एक दिन में एक बैंक अकाउंट से 10 UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो आप क्या करते हो 10 के 10 ट्रांजेक्शन एक ही दिन में कर देते हो ऑफर को कंप्लीट करने के लिए। इससे क्या होता है कि आपकी लिमिट खत्म हो गई, उसके बाद में नेक्स्ट डे भी अगर वो ऑफर चल गया, एक्सटेंड हो गया, तो आप उस दिन भी ट्रांजेक्शन कर देते हो, तो इससे आप बैंक के नजर में आते हो कि बिना मतलब से ये काफी सारे ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए या टेम्पररीली डिसेबल कर दिया जाए, तो ऐसा आपको नोटिस भी आ सकता है। तो एक छोटा सा अपडेट आया था, अगर आप सेविंग अकाउंट होल्डर हैं और मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हैं तो, लेकिन आपको लगता है कि आप ज्यादा ट्रांजेक्शन कर ही पाओगे, मतलब कम ट्रांजेक्शन से आपका काम नहीं चलने वाला है, तो उसके लिए आप सेविंग अकाउंट की जगह पर करंट अकाउंट का यूज कर सकते हैं। किसी भी बैंक अकाउंट में आप अपना एक करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको एक नुकसान ये हुआ कि आपके जो पैसा आपका खाते में पड़ा होगा उस पर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट में जो भी आपका पैसा पड़ा होता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में जो भी पैसा आपका पड़ा होगा उसके ऊपर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि उससे ज्यादा कमाई आप ट्रांजेक्शन्स वगैरह करके कर सकते हो तो आप यहाँ पर करंट अकाउंट का यूज कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा और आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।